मॉर्निंग चिल्ड्रन, कल अपन ने मीम्स समझ लिए थे, आज अपन मीडियन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, ओके क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ये क्लास है और ये एफ आई है। ठीक है, तो इसमें खाली मीडियन निकालते समय खाली दो एक ही चीज निकालना होता है, सी एफ आई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसमें मीन में क्या था, एक्स आई निकालो, यू आई निकालो, ये सब लंबा प्रोसेस था। इसमें खाली अपन को क्या निकालना है, सी एफ आई। बहुत इजीली आ जाएगा। सी एफ आई कैसे निकालते, देखो ये इनको यहाँ लिख दिया, फर्स्ट वाले को सेम टू सेम कॉपी किया। सेकेंड क्या करेंगे, इसको प्लस करके यहाँ पे, मतलब 8 + 16 दैट इज 24। ठीक है, 24 + 24 48 48 + 12 60 जो टोटल है और ये सब प्लस करने को लास्ट में जो आएगा वो नंबर सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर आधा सा जा रहा है सही में जा रहे, मतलब सही जा रहे, मतलब ये हो गया ना। बस इसमें इतना क्या प्रश्न होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू क्या लगाते हैं, l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन n इंटू f इंटू c। ठीक है, क्या है, l प्लस n बाई टू माइनस सी एफ अपॉन f इंटू c। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेप आता है n बाई टू निकालने का, n बाई टू, एन बाई टू निकालोगे तो ये बाकी वैल्यूज फिक्स होता है। एन बाई टू मतलब एन कितना है, 70 है, डिवाइडेड बाई टू दैट मीन्स 35 आया, 35। तो अभी इसमें सी एफ आई में अपन को 35 से बड़ा नंबर ढूंढना है। तो 24 छोटा हो जाएगा, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा आ रहा है, 48। 35 के बाद आने वाला नंबर क्या है, 48। तो इसमें जो लोअर बाउंड्री पॉइंट ये वाला जो होता है L, ये क्या होता है L, और ये होता है F, और ये होता है जो आपने माना उसके ऊपर वाले को बोलते हैं सी एफ। देखो कितने आगे अपना ये वैल्यू आ गया, तो ये सब वैल्यू सब उनको पता चल गया। ठीक है, कैसे, n बाई टू निकालने के बाद ही आपको पता चलता है सी एफ आई कौन सा लेना है, F कौन सा लेना है और L कौन सा लेना है। यहाँ पे जो नंबर आता है उससे बड़ा वाला नंबर इसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, कर दिया, अभी आपको सब वैल्यूज पता चल गया। L का कितना आ गया, 20। हाँ, L की बात में आते तो एक और एक बात मैं आपको बता दूँ, अभी यहाँ पे 10 to 20 है, 20 to 30, 30 to 40 है, मतलब यहाँ पे 20, यहाँ पे भी 20 है, तो L 20 ले सकते हो। बट कभी कभी क्वेश्चन क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10 to 19 फिर 20 to 29 ऐसे दे देता है, मतलब यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20 दिया होगा, सेम मैच नहीं होता है। तब उस टाइम में क्या करना पड़ेगा आपको, 5 पॉइंट मतलब 0.5 कम करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे 20 है तो कितना लेना पड़ेगा, 19.5 कितना लेना पड़ेगा, 19.5 लेना पड़ता है। कब, ये दोनों नंबर सेपरेट होगा दो, अगर दोनों नंबर सेम है तो कोई जरूरत नहीं चेंजेस करने का, डायरेक्टली 20 का 20 निकाल दो, लिख दो n बाई टू, n बाई टू कितना है आपके पास, 35 माइनस सी एफ आई, सी एफ आई कितना था, 24 अपॉन f कितना है, 24। क्लास डिफरेंस कितना है, ये चीज को ना h भी बोल सकते हो, c भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। h मतलब डिफरेंस कितना है, 10, टेन का गैप है ना, उसी तरह से मैं बोले ये 20 को कुछ नहीं करना, पहले उसको ही सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 1 1। इंटू कर दिया कितना आ गया, 110 डिवाइडेड बाय 4। अब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, रफली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उसको इससे प्लस कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। रफली कर लेते हैं अपन,
ठीक है, तो और आगे बढ़ता जाएगा तो आप खाली दो पॉइंट का कर लेंगे तो भी चलेगा, 4.58 दोनों प्लस कर लिखना है, 24.58 मीडियन आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, मीडियन से बहुत इजी है, खाली कैलकुलेशन में थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देने का, बाकी तो सॉल्यूशन तो बहुत इजी है इसका। ठीक है, तो इसको अच्छे समझो।